वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूपी का स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे यूपी का स्कॉलरशिप आप स्टेटस 2019-20 का चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो है कि अपना गूगल में या कहीं पे जो है कि अपनी वेबसाइट खोलेंगे यूपी स्कॉलरशिप की। अगर आपको वेबसाइट खोलना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उससे जा कर के डायरेक्ट इस लिंक पे आप आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ फेस खुल करके दिखाई देगा, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली। उसके बाद दोस्तों इधर जो है कि कई ऑप्शन आपको दिखेंगे, इधर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट। तो हमारे जो काम का है वो है स्टूडेंट का। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, स्टूडेंट पे क्लिक करते ही इस तरह का तीन ऑप्शन खुलेगा, रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लॉगिन करने का कई ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे प्री मैट्रिक, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक उधर देन, पोस्ट मैट्रिक उधर स्टेट। इधर जो दोस्तों फ्रेश के लिए होगा जो फर्स्ट ईयर में होंगे, और इधर दोस्तों रिन्यूअल के लिए होगा जो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में होंगे आफ्टर फ्रेश के बाद। तो दोस्तों आप जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें जो है कि आप लोग क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आप इंटरमीडिएट 9-10 के हैं, अगर फर्स्ट ईयर में है तो सबसे पहले आपको इधर क्लिक करना होगा। अगर मान लीजिए आप प्री मैट्रिक में हैं या पोस्ट मैट्रिक में हैं या पोस्ट मैट्रिक उधर देन इंटरमीडिएट में है तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पोस्ट मैट्रिक उधर देन इंटरमीडिएट में हूँ तो यहाँ पे जो कि इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का वेट करेंगे, फिर इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा। आप देख सकते हैं इसको जो कि हम लोग डेस्कटॉप मोड में कर देंगे तो ऑलरेडी मेरा डेस्कटॉप मोड में है। उसके बाद दोस्तों कई चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी, आवेदन का प्रकार, नवीनीकरण होगा, दसमोत्तर, ये सब क्लिक होगा। और सबसे पहले बता दें दोस्तों इसमें कई चीज़ें आपको भरने के लिए आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो है कि अपना पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है, फिर ये जो है कि कैंपस। अगर कैंपस नहीं समझ में आते तो इससे रिफ्रेश करके आप कैंपस को भर लीजिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग जानकारी भरने के बाद यहाँ पर क्लिक करके दिखाते हैं कैसे जो है कि यहाँ पर स्टेटस दिखेगा। तो चलिए इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए और फिर उसके बाद इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए और इसमें अपना पासवर्ड भरिए जो आपने जनरेट किया था। चलिए भरते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी भरने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है कि सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे इस तरह का कुछ आपका फेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का फेस खुल करके आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर रजिस्ट्रेशन संख्या 2018-19 का जो आपका था, फिर आप जहाँ पर अध्ययनरत रहे वो आपके शिक्षण संस्था का नाम, फिर यहाँ पे आपका नाम और पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो कि नीचे सारी निजी जानकारी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, आवेदन पत्र स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो दोस्तों चलिए इस पे जो है कि क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों क्लिक करने के बाद ये जो है कि ब्लैंक ब्लैंक आपका इस समय खुलेगा, क्योंकि ये जो जानकारी अभी जो है कि सर्वर पर अभी चढ़ाई नहीं गई है। तो 2019-20 का जो है कि अभी दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा, अक्टूबर नवंबर के बाद जो है कि यहाँ पे आपका 20 नवंबर के बाद जो है कि आपको बता दें 20 से 30 नवंबर के बाद या 20 से 30 नवंबर के पहले आपका जो है कि यहाँ पे स्टेटस शो होने लगेगा। अगर आपकी जो जानकारियाँ गलत हैं तो इस पे 20 से 30 नवंबर के बीच में आप इसको सही कर सकते हैं। तो ये जो है कि यहाँ पे स्टेटस आपको दिखने लगेगा। बस मैंने प्रोसेस बता दिया कि कैसे जो है कि आपको चेक करना है। तो इसमें वीडियो में यही बताना था कि आप प्रोसेस को कैसे चेक। तो दोस्तों इस तरीके से आप लॉगिन करके अपना जो है कि अपना स्टेटस देख सकते हैं और इस तरह जो है कि अपना स्टेटस बार बार चेक करते रहिए। जब दिखाने लगेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी कौन सी जानकारी सही है, कौन सी जानकारी गलत है। इस तरह जो है कि आप अवेयर होकर अपना जो है कि जानकारी सही कर सकते हैं और जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार करके 20 से 30 नवंबर के बीच आप इसको जो है कि कॉलेज पर जमा कर सकते हैं। इस तरह आपकी 100% स्कॉलरशिप आएगी। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।